हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमिला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है प्रमिलास फूड जायका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कोकोनट कुकीज़। ये कुकीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और इनको घर पर बनाना भी बहुत आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन क्लिक करना जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुकीज़ का डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप देसी घी। घी हम यहाँ पर सेमी सॉलिड फॉर्म में लेंगे। घी ना तो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में। आधा कप हमने यहाँ पे ली है चीनी, जिसे हमने पीस लिया है। ये नॉर्मल चीनी है जो हम घर में यूज़ करते हैं। एक कप मैंने लिया है मैदा और आधा कप लिया है डेसिकेटेड नारियल। आप चाहें तो जो सूखा नारियल होता है उसे ग्रेट कर सकते हैं या फिर ग्राइंड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर गैस पे रखा है एक मोमो स्टीमर। आप चाहें तो इसकी जगह पर एक बड़े साइज की कढ़ाई या फिर बड़े साइज की पतीली भी ले सकते हैं। उसमें हम ये स्टैंड लगा देंगे और कवर करके इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे। अब मैंने लिया है एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम डालेंगे घी। घी डालने के साथ ही मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी और घी और चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इन्हें तब तक मिलाना है जब तक के जो ये घी है ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। लगभग 3 से 4 मिनट इसमें लग जाते हैं, लेकिन हमें इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नारियल और इनको मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसको गूंथना नहीं है, बस इसको हल्का सा ऐसे ही मसलते हुए फिर इसको इकट्ठा कर लेंगे और इस तरीके का एक डो तैयार कर लेंगे। इसमें हम ना तो दूध डालेंगे ना ही कुछ और, बस जितना हमने इसमें घी डाला है उसी में ये डो तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ली है एक प्लेट और इस प्लेट को हम मैंने इसमें फॉइल लगाकर उसके बाद इसे घी से ऐसे ग्रीस कर लेंगे जिससे कि जब हम इसमें कुकीज़ बनाकर रखें तो वो इसमें चिपकेंगी नहीं। अब हम यहाँ पर जो हमने डो लिया है इसमें से हम थोड़ा थोड़ा इस डो को हाथ में लेंगे और उसको जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लोई बनाएंगे और उसके बाद उसे हाथों से दबाते हुए हल्का सा चपटा कर लेंगे। अब जो हमने ये नारियल लिया है इससे इसे कोट कर देंगे इस तरीके से। कोट करने के बाद हल्का सा इसे दबा देंगे जिससे कि नारियल इसमें अच्छे पे सेट हो जाए और इसको प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर बाकी की कुकीज़ भी बनाकर तैयार कर लेंगे। सबको हम पहले एक लोई की तरह बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा चपटा करेंगे और उसके बाद इसमें इस नारियल से कोट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये 5 कुकीज़ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब जो हमने कंटेनर रखा था प्री हीट होने के लिए उसमें हम इस प्लेट को रख देंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसे लगभग 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। अब जो ये बाकी का डो बचा हुआ है इसको भी हम जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे और उसके बाद इस तरीके से बीच में अंगूठे से दबाते हुए डिजाइन दे देंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी की ये कुकीज़ भी बना लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर लिया है जो मिक्स फ्रूट जैम आता है मार्केट में, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसमें से मैं थोड़ा सा जैम इस तरीके से चम्मच में निकाल लूँगी और उसको ऐसे कुकीज़ में रख देंगे। मैंने एक और कंटेनर गर्म करने के लिए रखा हुआ था, उसमें मैंने वो कुकीज़ रख दी हैं और यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। तो जो ये पहले वाली कुकीज़ हैं हम इनको चेक कर लेते हैं, इनको हम पलट कर देखेंगे। तो ये अच्छे से बेक हो गई हैं। अब हम इन सारी कुकीज़ को पलट देंगे और पलटने के बाद इसे इस साइड से 2 मिनट के लिए और बेक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हम इन कुकीज़ को चेक करेंगे और एक एक करके इन्हें पलट कर देख लेंगे। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो बस ये कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। कुकीज़ को बनने में बेक होने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप 20 मिनट इसे बेक होने दें और उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने 2 तरह की कुकीज़ बनाई थी दोनों ही बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये कुकीज़ अच्छे पर ठंडी हो जाएं तब आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर 20 से 25 दिन के लिए इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों के लिए घर पर कुकीज बनाना चाहते हैं तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी ये कुकीज घर पर बनकर तैयार हो जाती हैं। और यही थी मेरी आज की रेसिपी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।